हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एस मनी, आप सारे बच्चों का प्यारा सा पटना का फिजिक्स टीचर। और स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो उतना ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए जितना इम्पॉर्टेंट किसी इंसान के लिए सांस लेना होता है। जैसे जिंदा रहने के लिए सांस लेना बहुत ज़रूरी है, और वैसे ही किसी भी स्टूडेंट्स को लाइफ में बहुत आगे जाने के लिए यह वीडियो को समझना, अंदर से फील करना और इसको आगे के लाइफ में फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं वीडियो में किसके बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि पीछे के दो तीन चार वीडियो में मैंने टाइम के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करा कि टाइम कितना महत्व है, टाइम का कितना वैल्यू है, टाइम ही है जिसका वैल्यू है। आप लोगों में कुछ बच्चों ने कमेंट करा, पूछा ही मुझसे कि सर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल बताइए ना, सर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल बताइए टाइम के वैल्यू का सर, ताकि मुझे थोड़ा सा लगे अरे वाह, टाइम का इतना अधिक वैल्यू है, अरे वाह सच में टाइम इतना इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, तीन एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आया हूं, तीन उदाहरण आपके लिए लेकर आ गया हूं टाइम के वैल्यू के लिए। तीनों को बढ़िया से सुनिए, समझिए और फील कीजिए, और लाइफ में पूरी जिंदगी आप इसे फॉलो कीजिएगा तो पक्का अव्वल दर्जे का स्टूडेंट्स, अव्वल दर्जे का बिजनेसमैन या किसी भी क्षेत्र में हो, आप टॉपर बन जाइए। बस इसे समझना पड़ेगा। चलिए, टाइम के वैल्यू का सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने, तीनों एग्जाम्पल को बताऊंगा, सबसे पहला एग्जाम्पल बता रहा हूं, लास्ट तक देखिएगा, छोड़कर मत जाइए। अगर आप छोड़कर जा रहे हैं ना तो अभी छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए। चलिए मैं बता रहा हूं सबसे पहला एग्जाम्पल। चलिए, टाइम के वैल्यू को समझने के लिए हम दो स्टूडेंट्स लेते हैं, मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स ए है और कोई स्टूडेंट्स हमारा बी है। तो जो स्टूडेंट्स ए है मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स, वो दिन भर में घर पर 3 घंटे स्टडी करता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, फिर से सुनिएगा, दो स्टूडेंट्स है ए और बी, ए दिन भर में घर पर 3 घंटे स्टडी करता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1 ईयर में वो कितना देर स्टडी कर रहा है घर पे, 1 साल में वो कितने घंटे स्टडी कर रहा है। अगर स्टूडेंट ए 3 घंटा स्टडी कर रहा है और स्टूडेंट बी 4.5 घंटे स्टडी कर रहा है, फिर से सुनिएगा मेरी बात, स्टूडेंट ए हमारा घर पे दिन भर में 3 घंटे स्टडी करता है, स्टूडेंट बी 4.5 घंटे 4.5 आवर्स स्टडी करता है। देखिए, देखने में तो नहीं लगता है उतना ज्यादा, देखने में तो लगता है कि सर एक आदमी तो बस 1.5 घंटा ज्यादा पढ़ रहा है ना। नहीं, ये एग्जाम्पल तो यही लग रहा है ना कि सर एक 3 घंटा, एक 4.5 घंटा पढ़ रहा है, तो स्टूडेंट जो हमारा बी है वो 1.5 घंटा ज्यादा पढ़ रहा है सर, 1.5 घंटा में क्या कर लेगा सर। सही बात है, देखते हैं आगे जाकर क्या करता है। इस बात को फील करना पड़ेगा, समय का इंपॉर्टेंस ना अंदर से झिकझोर करके रख देगा ये वीडियो, और वैल्यू बता देगा समय के इंपॉर्टेंस का। तो चलिए, पहला स्टूडेंट जो ये है वो 3 घंटा घर में स्टडी करता है, 365 दिन में कितना स्टडी करेगा ये देखिएगा, 365 में 3 से इंटू कीजिए, आपको आ जाएगा 1095, हिंदी में बोले तो 1095 घंटा। स्टूडेंट ए 1 साल में 1095 घंटा स्टडी कर रहा है। स्टूडेंट बी की बात करें तो स्टूडेंट बी में भी 365 में इंटू कर देंगे 4.5 से, वो तो 4.5 घंटा रोज पढ़ता है घर पे, तो उसको जब इंटू कीजिएगा मेरे स्टूडेंट्स, तो इंटू करने के बाद आ जाएगा 1642, लगभग में 1642 यानी कि 1642 घंटा 1 साल में। चलिए एक काम करते हैं, देखते हैं कि स्टूडेंट बी ए से कितना घंटा अधिक पढ़ा, पूरे 1 साल की बात कर रहा हूं, 1 दिन की बात नहीं, 1 दिन में तो 1.5 घंटा अधिक पढ़ रहा है, पूरे 1 साल की बात कर रहा हूं, 1 साल में स्टूडेंट बी कितना देर पढ़ रहा है ज्यादा। तो अगर माइनस करेंगे 1642 में से 1095 स्टूडेंट्स, तो माइनस करने के बाद आ जाएगा 547 यानी 547 घंटा हमारा स्टूडेंट बी, लगभग में 547 घंटा स्टूडेंट बी हमारा अधिक पढ़ता है ए से। देखिए, अभी भी आपको नहीं ज्यादा लग रहा है फीलिंग, सर 547 घंटा ही तो अधिक पढ़ता ही है, कहां ज्यादा पढ़ रहा है, ठीक है नहीं पढ़ रहा है। एक काम कीजिए, इतना तो समझ गया ना कि स्टूडेंट बी 547 आवर्स ज्यादा पढ़ रहा है। स्टूडेंट ए कितना पढ़ रहा है दिन भर में, स्टूडेंट ए दिन भर में कितना पढ़ रहा है, 3 घंटे, 547 में 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 1 दिन में 3 घंटा स्टूडेंट ए पढ़ता है, तो मुझे यही निकालना है ना कि स्टूडेंट ए से बी कितना देर ज्यादा पढ़ता है, तो उसमें 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 547 घंटा हमारा बी ज्यादा पढ़ रहा है और स्टूडेंट ए जो है वो दिन भर में 3 घंटा पढ़ता है, तो देखते हैं कि कितना दिन ज्यादा पढ़ता है। दिन निकालने के लिए 24 से डिवाइड नहीं कीजिएगा, 24 से 24 से डिवाइड नहीं करनी है, स्टूडेंट 24 आवर्स नहीं पढ़ता है, 3 घंटा पढ़ता है,
तो 547 में अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे 3 से तो लगभग 182 डे आ गया। नहीं, एक दिन में 3 घंटा पढ़ता है और 547 में अगर 3 से डिवाइड कर दिए यानी 182। देखिए अचंभित हो गया ना, 182 मतलब कितना, 6 महीना 542 घंटा देखने में लग रहा है, एक डेढ़ घंटा का फासला देखने में लग रहा है, लेकिन एक साल में जो स्टूडेंट बी है वो लगभग 6 महीना या यूं बोलिए कि पूरे 6 महीना ए से अधिक पढ़ता है। समझ रहे, 6 महीना वैल्यू रखता है बच्चे, 6 मंथ वैल्यूएबल टाइम है, बड़ा लार्ज टाइम है। मेरी बात समझ में आ रही बच्चे मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए कहा कि मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दूंगा कि आखिर कैसे समय, थोड़ा थोड़ा समय बचाने से या थोड़ा थोड़ा समय नष्ट करने से कुछ समय के बाद कैसे इंसान, कैसे स्टूडेंट ही नष्ट हो जाता है। तो मेरे बच्चे ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन आपको अंदर से लग रहा है वाह, जो हमारा बी है वो तो हमारा 6 महीना 6 मंथ ए से अधिक पढ़ता है। हाँ पढ़ता है, और यह प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हुआ। समझ में आई मेरी बात है? इसलिए मेरे बच्चे, अभी एग्जाम्पल 1 बता रहा हूं, 2 और 3 बताना अभी बाकी है। इसलिए मेरे बच्चे समय को बर्बाद करना बंद कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, पिछड़ जाइएगा। आज का जमाना, इसमें हर कोई इंसान रात दिन मेहनत कर रहा है, हर कोई बिजनेसमैन रात दिन स्ट्रैटेजी बना रहा है, हर कोई क्रिकेटर, हर कोई स्पोर्ट्स वाला रात दिन एक नया तोड़ निकालने में बैठा हुआ है कि किस तरीके से हम अपने कंपटीटर से आगे बढ़ जाए, जीत जाए। अगर आप थोड़ा सा पिछड़ोगे ना तो सच में पिछड़ जाओगे। इसलिए समय के वैल्यू को समझिए। प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने, देखने में 1.5 घंटा लग रहा था लेकिन सच में ये 6 महीना का अंतर ला दिया, आधा साल का अंतर ला दिया। ये हुआ पहला एग्जांपल। वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, जहां भी हो सके इसको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह इसके लिंक को डालिएगा। दूसरे एग्जांपल पे आते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं बताऊं, सच बोलूं तो दुनिया में समय ही वैल्यूएबल है बच्चे, दुनिया में समय ही वैल्यूएबल है। समय जो है ना वो सबसे बोलता है कि मैं सबको सेम समय दिया हूं, समय सबसे बोलता है कि मैं सबको सेम समय दिया हूं, बराबर समय दिया हूं। अगर तुम समय के अनुसार समय में ढल गए तो समय में बहुत आगे चले जाओगे, और नहीं तो समय तुमको समय में बहुत पीछे ढकेल देगा। नहीं समझ में आया मैं क्या बोला? जैसे देखिए मैं बात करूं इंडिया का, गांव का बात करूं, शहर का बात करूं, जो एयर है, हवा, माहौल, एजुकेशन, स्कूल, ये अलग अलग सब लोगों के लिए है। हवा भी अलग अलग होता है, कहीं का हवा काफी ज्यादा शुद्ध है, कहीं का एयर पॉल्यूटेड है, वगैरह 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 वगैरह, ओके। लेकिन अगर कोई इंसान जिंदा है तो समय सब के लिए बराबर है, सब के लिए 24 आवर्स ही है, दिन में 24 घंटे ही है। उसी 24 घंटे को कोई उपयोग करके छोटा इंसान से काफी बड़ा इंसान बनता है, चाय बेचने वाला एक प्रधानमंत्री तक बन जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है जो इस समय के पलड़ा को नहीं समझता है ना, वो प्रधानमंत्री बन सकते थे लेकिन उससे हटकर वो कुछ भी नहीं रह जाते हैं। मेरी बातें समझ रहे होंगे आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसलिए स्टूडेंट्स मैं कहूंगा समय ही एक वैल्यूएबल चीज है, टाइम एक ऐसा चीज है जिसका वैल्यू है। सब चीज दोबारा चाहोगे तो बहुत मेहनत के बाद ना तुम ला सकते हो, समय नहीं ला सकते हो बच्चे। समय अगर मान लीजिए कि हम किसी इंसान को 2 किलो सोना, 10 किलो सोना, 20 किलो सोना भी दे दे, और इतना सोना देने के बाद अगर उससे बोले कि किसी मरे हुए इंसान को मात्र 5 सेकंड के लिए जिंदा कर दो, मात्र 5 छोड़िए 2 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए जिंदा कर दो, नहीं लौट सकता 1 सेकंड बच्चे, कुछ कर ही नहीं सकता, 1 सेकंड भी नहीं लौट सकता है। अगर हो सके तो आपके पास जितना भी जमीन जायदाद है उसे भी आप बेच के 1 सेकंड भी लाना अगर चाहें, 1 सेकंड भी नहीं ला सकते। एक हेल्थ इंसान का खराब हो जाता है, शरीर खराब हो जाता है, थोड़ा मेहनत के बावजूद, थोड़ा ध्यान देकर उसे थोड़ा ठीक किया जा सकता है, समय नहीं ठीक किया जा सकता है। आपको कोई बोल दे कि चलो ठीक है पूरा जो आपका शहर है या आपका गांव है उसका जमीन मैं आपको दे दिया, और वो किसी को तुम बेच दो, वो जमीन पूरा बेच दो, पता नहीं 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ जितना भी बिके, और उस पैसे से आप 1 सेकंड भी समय लौटाना चाहो तो नहीं लौटाओगे। जमीन तो बड़ी बात हो गई, छोटी बात हो गई, पूरा जो आपका पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी को भी अगर आप बेच दोगे ना तो भी 1 सेकंड समय नहीं लौटा सकते हो।
सोच लीजिए टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, पूरे यूनिवर्स को ही बेचने के बाद एक सेकेंड टाइम दोबारा नहीं लौटा सकते हैं, इतना कीमती समय। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि समय ही इंपॉर्टेंट है, समय ही सबसे जरूरी चीज है। जो समय के अनुसार समय में ढल गया, समय को वैल्यू समझते हुए, वो समय में काफी आगे चला जाता है, और जो समय में आगे नहीं गया, नहीं समझा, उसे समय पीछे ढकेल देता है। क्योंकि समय हमेशा कहता है सबसे कि मैं सबके पास समान हूं। इसी समय को यूज करना है, चाहे अंबानी सर है उनके पास भी 24 आवर्स, जो दुनिया के सबसे बड़े इंसान है, सबसे रिचेस्ट इंसान है, उनके पास भी 24 आवर्स, और एक जो छोटा सा गरीब इंसान है जिसको खाने के लिए भी दिक्कत होता है, उसके पास भी 24 आवर्स। उसको यूज कैसे करना है, उसको ऐसे पानी की तरह बहाना है आपको, या पकड़ के हर एक सेकंड का वैल्यू समझ समझ कर उसमें कुछ ग्रहण, उसमें नॉलेज, उसमें कुछ एक्सपीरियंस और लाइफ में आगे जाने लायक बनना है, आप पर डिपेंड करता है। मेरी बातें समझ में आई? दूसरा एग्जांपल है। तो आज के बाद एक पेज लीजिए, लिखिए, लीजिए और उसमें लिख दीजिए, पेज में, पेज को लेकर उसमें लिख दीजिए कि समय ही एकमात्र ऐसी चीज है जो इंपॉर्टेंट है, और चिपका दीजिए कहीं दीवार में, कहीं दीवार में उसको पेस्ट कर दीजिए। और अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा हो ना मेरी बात, तो अपने दोस्तों में जितना भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। आते हैं तीसरे एग्जांपल पे, थर्ड एग्जांपल, जो थोड़ा मुझसे रिलेटेड है, मेरे पूरे एमिंग हाई के कम्युनिटी से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग का एमिंग हाई का ऐप है, जहां पे हम आप लोगों को ऑनलाइन स्टडी करवाते हैं, बहुत सारे बच्चे वहां पढ़ भी रहे हैं, बहुत सारे बच्चे। ये हम लोगों से रिलेटेड है क्या कि इस कोर्स को एमिंग हाई ऐप में, जो हम लोग का 1 ईयर कोर्स है फिजिक्स का, उसे मैं जनवरी फरवरी के महीने में लॉन्च करा था। और जब लॉन्च करा था तो जितने भी अच्छे बच्चे थे मेरे वाले, उस कोर्स को इनरोल कर लिए। उस कोर्स का फी काफी कम है, बस इसलिए फी रखा गया है ताकि ऐप का मैनेजमेंट चल सके। 1 ईयर का फी उस टाइम पे मात्र 750 रुपया था, एक साल का 750 रुपया, महीना का 100 रुपया से भी कम था फी बच्चे, एक साल का कंप्लीट फिजिक्स। और उसको जब पढ़िएगा ना उस फिजिक्स को, तो लगेगा अरे वाह, सच में हम फिजिक्स सीख रहे हैं, ऐसा लगेगा अरे वाह, सच में हम फिजिक्स सीख रहे हैं। तो 1 ईयर का कंप्लीट फी था बच्चे उसका 750, 100 रुपये से भी कम महीने का, जो कि इंटरनेट का चार्ज आज बहुत ज्यादा है, उससे ज्यादा पड़ जाता है लोगों का, और इंटरनेट लोग बर्बाद करते हैं, इंटरनेट में पैसे खर्च करते हैं। आज भी उसका फी 1000 है एक साल का, वो भी 100 रुपये से कम, अभी भी काफी ज्यादा नहीं बढ़ा, बस ऐप के मैनेजमेंट के लिए वो फी रखा गया है। मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं कि जब मैं वो कोर्स लॉन्च करा, तो कुछ बच्चे ने कॉल करा पूछे कि सर, जो आप कोर्स लॉन्च किए हैं, क्या यस मनी सर ये कोर्स खत्म हो जाएगा सर? क्या इसको आप पूरा खत्म कर पाएंगे सर? ऑनलाइन पे भरोसा रखे सर, खत्म कर पाएंगे सर? जितने बच्चे ऐप के बारे में नहीं जानते, एक बार इंस्टॉल करके जरूर चेक कीजिएगा। तो बच्चों ने पूछा कि सर आप इस कोर्स को खत्म कर पाएंगे सर? मैंने कहा हाँ। तो मुझे लगा चलिए कोई बात नहीं, बच्चे को अभी भरोसा होगा तब जाके उस कोर्स में आएंगे, ठीक है। जब फरवरी के बाद मार्च महीना आ गया, तब भी वही बच्चा कॉल करके पूछता कि सर कोर्स को खत्म कर पाएंगे सर? होगा खत्म? हमारे ऑफिस के लोग बोले हाँ खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगले मंथ में भी वही बच्चा कॉल करके पूछा कि सर खत्म हो जाएगा? और ऐसे करते करते मेरे बच्चे आज 4th चैप्टर चल रहा है क्लास 12 फिजिक्स का। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो गया, दूसरा हम लोगों का कैपेसिटेंस जो होता है वो खत्म हो गया कैपेसिटर, थर्ड इलेक्ट्रिक करंट खत्म हो गया, और 4th मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। सबका गेस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह, या सारा भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स वगैरह सब करवा दिए, टेस्ट वगैरह लेके आगे बढ़ रहे हैं, चार खत्म हो गया। और तजुब तो तब लगता है कि जब वही स्टूडेंट्स कॉल करता है और फिर से कभी फ्यूचर में पूछेगा कि सर कोर्स खत्म हो गया, इंतजार ही कर रहे हैं, वेट ही कर रहे हैं इस बात का कि अब इस कोर्स में आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, कब आओगे? अरे मेरे यहां नहीं तो कहीं, तो कहीं तो पढ़ लो ना। ठीक है, अभी हम लोग ऑफलाइन क्लास नहीं पढ़ सकते हैं, मजबूरी है, ठीक है, ऑनलाइन तो पढ़ सकते हैं ना, कोरोना वायरस के कारण ऑफलाइन क्लास नहीं खुल सकता। ऑनलाइन मेरे कोर्स में तो बहुत सारे हैं, आप लोग जानते हो, ज्ञान एकेडमी है, वेदांतु वगैरह, ग्रेड अप वगैरह, बहुत सारा कोर्स है जहां पे आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं मेरे बच्चे। तो कहीं भी तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, या कॉल ही करके पूछिएगा कि खत्म हो जाएगा ना सर? बस इतना है कि वो सब प्लेटफॉर्म का फी थोड़ा अधिक है, मेरा फी मैंने काफी कम रखा है ताकि बच्चों को पैसे के कारण पढ़ाई ना रुके, ताकि स्टूडेंट्स का पैसे कारण पढ़ाई ना रुके, इसलिए कम से कम फी जितना हम लोग कर सकते थे उतना रखें। तो स्टूडेंट्स सुनिए, दुनिया में दो तरीके के बिनर होते हैं, दो तरीके के लोग होते हैं, बिनर नहीं, दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं फर्स्ट मूवर, एक होते हैं फास्ट मूवर। एक होते हैं जो सोचते रहते हैं करेंगे करेंगे करेंगे,
करेंगे करेंगे करेंगे, अरे कब करेंगे? और दूसरा, उसको मिलता है कुछ पुख्ता चीज, कुछ पुख्ता बात, कोई रिजल्ट या कोई भी चीज वैसे मिलती है सोर्स, तो उसको तुरंत वो ग्रहण कर लेता और वो करना शुरू कर देता है। आप पर निर्भर करता है कि आप सोचने वाले में रहने चाहते हो, सोचने वाले में रहना चाहते हैं, या फिर आप करने वाले में बनना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, समय के वैल्यू को समझिए, करना शुरू कीजिए। एक इंसान काफी छोटे लेवल से अगर समय के वैल्यू को समझकर हर दिन काम करे, रोज अगर वो जागे और जागते समय उसका ध्यान उसके लक्ष्य की ओर हो कि हमें ये करना है, हमें ये करना, हमें ये करना, हमें ये करना है। जैसे मैंने कई बार बताया ना कि मेरा लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है, मेरे माइंड में क्लियर है कि एक समय ऐसा आए इस इंडिया में जब एजुकेशन सिस्टम काफी सस्ता हो जाए, बेस्ट से बेस्ट कोर्स बच्चों को कम फी में मिले, यानी पैसे के कारण किसी का पढ़ाई ना रुके। और मैं हर दिन वही सोचकर जागता हूं और रोज पूरे तहे दिल से मेहनत करके आप लोगों के लिए ऐप पे कोर्स लाता हूं। जो बच्चे ऐप पे नहीं, ऐप पे जाकर देख लीजिएगा, उसके बाद आइडिया लग जाएगा कोर्स का। मेहनत एक क्लास मत देखिएगा, कम से कम पूरा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़िएगा, वो सब तो फ्री है, तो कम से कम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़कर देखिएगा, तब आइडिया लगेगा कि कितना मैंने मेहनत करा उस कोर्स पे। तो स्टूडेंट्स, अपना लक्ष्य चुनिए, समय की वैल्यू समझिए, दौड़ पड़िए, दौड़ पड़िए अपने काम में। और एक भी दिन, एक भी सेकेंड अगर बर्बाद करते हैं तो आपके माइंड में आना चाहिए कि मैं इस सेकेंड को चाह के भी नहीं लौटा सकता हूं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। अगर समझ में आया होगा तो फिर से कहूंगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए, जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि पता नहीं इस वीडियो देखने के बाद किनके अंदर आग लग जाए, पढ़ने का या अपने काम करने का जुनून जग जाए कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे लाइफ में कुछ आगे जाना है, किनके अंदर जुनून जग जाए। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले पढ़ाने वाले वीडियो में। पढ़ाऊंगा तो जरूर, साथ साथ में समय समय पर ऐसे ही आपके अंदर आग जलाते रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।